नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वीना अग्रवाल, कंट्री चेयरपर्सन विमेन्स होलिस्टिक हेल्थ एंड वेलनेस ऑल लेडीज लीग एंड एमडी मेडटॉक्स एंड ऑनलाइन मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम फॉर डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रेशमा हिंगोरानी, मैं साइकाइट्रिस्ट हूं और अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी एरिया में होलिस्टिक वेलनेस प्रैक्टिस करती हूं। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश में ही नहीं पर सारी दुनिया भर में, क्योंकि इंडियन सोसाइटी पैट्रियार्कल है, औरतों को दूसरा दर्जा दिया गया है हमेशा। इससे औरतों की सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल इश्यूज पर इन्वॉल्वमेंट बहुत ही कम रही है। ईव टीजिंग या औरतों की हैरेसमेंट एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में। ईव टीजिंग का मतलब है ताकना, गंदे कमेंट्स पास करना, स्टॉकिंग या लगातार पीछा करना, जानबूझकर ठोकर लगाना और गलत तरीके से लड़की को हाथ लगाना। ये सब हमने कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में फेस किए हैं। ईव टीजिंग या सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन इन पब्लिक प्लेसेस एक सबसे चैलेंजिंग कम्युनिटी प्रॉब्लम है इंडिया में, जो औरतों से उनका बेसिक ह्यूमन राइट ही नहीं छीन लेता, उनकी लिबरलाइजेशन पे भी बहुत रोक लगा देता है। जितनी भी आपने बातें गिनवाई ईव टीजिंग वाली, वो सब 70s में मुझे याद है, जब मेडिकल कॉलेज के लिए बस में जाते थे, तो ये एक एक चीज हमारे साथ बीती है और उसके जो रिएक्शंस थे तब। और मुझे लगता है कि जब मेरी बेटी, नीस वगैरह जब हमसे ये बातें करते हैं तो लगता है कि 70s से लेकर के जो नया मिलेनियम आ गया, बदला शायद आज भी कुछ भी नहीं है। सो कॉमन कॉजेज ईव टीजिंग के हैं मेल डोमिनेंट सोसाइटी एंड रॉन्ग माइंडसेट, रॉन्ग अपब्रिंगिंग, मॉडर्नाइजेशन एंड फन की औरतें तो एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करने के लिए है, बैड इम्पैक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड सोशल मीडिया, लैक ऑफ सिक्योरिटी फॉर वुमेन एंड एब्सेंस ऑफ पनिशमेंट इन द लॉ एंड डिग्रेडेशन ऑफ सोशल, कल्चरल एंड मॉरल वैल्यूज एंड लॉस ऑफ फैमिली कंट्रोल। मेरी टीनेज क्लाइंट्स अक्सर बताती हैं फैमिली वाले और खासकर पेरेंट्स क्या कहते हैं, अरे उसने देखा ही तो है, हाथ ही लगाया है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, क्या बतंगड़ बना रही हो, फैमिली की इज्जत का तो सोचो। तो सहन शक्ति गलत जगह इस्तेमाल करने को कहेंगे, कोई चोट तो नहीं लगी ना, चलो जाने दो। अगर सभी ये बात करेंगे, समाज लाइटली लेगा, तो प्रॉब्लम इग्नोर होगी और बढ़ेगी। सेक्सुअल हैरेसमेंट को सेक्सुअल हैरेसमेंट ही रहने दो, ईव टीजिंग कहकर टाल ना दो। तो जहाँ रेप वर्ड लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है, वहीं ईव टीजिंग को कोई सीरियसली नहीं लेता। रही सही कसर फिल्मों ने पूरी कर दी, मौज मस्ती छेड़खानी नॉर्मल सी चीज बना दी, मगर ये एक सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस है। ये जरूरी नहीं कि कोई रेप या मौत हो तभी हम मोमबत्तियां जलाएंगे और नारे लगाएंगे, बात वहां तक पहुंचने ही क्यों दी जाए। तो इसका सोशल इम्पैक्ट क्या होता है, लड़कियां अपने आप में रहने लगती है और वो सब जगह अवॉइड करती है जहाँ की चांसेस होते हैं उनकी ईव टीजिंग के। ड्रॉपआउट रेट गर्ल्स का बहुत बढ़ जाता है स्कूल में, और स्पेशली रूरल एरियाज में ये ज्यादा होता है। गर्ल्स जॉब पर भी जाने में कतराती हैं इसी कारण से, क्योंकि वर्कप्लेस सेक्सुअल हैरेसमेंट बहुत कॉमन है, पॉलिटिक्स में भी कम पार्टिसिपेट करती है, पेरेंट्स भी उनकी मूवमेंट को बहुत रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं ये बोल के कि इधर ना जाओ, रात को ना निकलो, ये कपड़े पहनो ये ना पहनो, तो उनकी मूवमेंट बहुत कम हो जाती है। पेरेंट्स और सोसाइटी ये सोचते हैं कि अगर लड़की बाहर निकली इसका मतलब बिगड़ी हुई होगी और उसके शादी के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। लड़कियों की शादी इसीलिए जल्दी करा देते हैं पेरेंट्स की उनकी रेपुटेशन पर कोई आंच ना आए। इससे गर्ल्स में फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और अर्ली प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ से भी बहुत नुकसान होता है उनके मन और बॉडी पे। पेरेंट्स अक्सर अपनी लड़कियों को ही ब्लेम करते हैं और जो तंग कर रहा है उसे छोड़ देते हैं सोशल प्रेशर के कारण, लोग क्या कहेंगे। पेरेंट्स लड़कियों को घर के कामों में ही लगाना पसंद करते हैं और उनकी पढ़ाई पर भी जोर नहीं डालते। तो आपने ये सब गिनवाया, ये विक्टिम जो होते हैं उनके ह्यूमन राइट्स पर असर। इसके अलावा ईव टीजिंग एक तरह की साइकोलॉजिकल वायलेंस है, मन पर इसका बहुत गहरा और लॉन्ग लास्टिंग असर हो सकता है। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट के साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पर बहुत रिसर्च स्टडीज हैं। सबसे कॉमन रिएक्शन है, मुझे खुद याद आ रहा है कि जब कभी मेरे साथ ऐसा हुआ है तो घर पहुँच करके सबसे ज़्यादा तो आता है गुस्सा और कुछ न कर पाने की फ्रस्ट्रेशन, फिर आती है शर्म, एम्बेरसमेंट, ह्यूमिलिएशन, और हर वक्त जब लड़की हर वक्त अनसेफ फील करे, डरती रहे, तो नेचुरली उसको घबराहट होगी, वरी, टेंशन, घर से निकलने भी नहीं दे, और अगर घर से निकलने में घबराए, और खासकर विक्टिम्स इस डर से कि सोसाइटी और इवन फैमिलीज उन्हें ही ब्लेम करेंगी, तो उनकी फ्रीडम फिर वैसे भी, जैसे आपने बताया, कि बचती कहाँ है। तो लड़कों से मत बात करो, कपड़े ऐसे पहनो, अकेले ना निकलो, एंड वुमेन, यू नो, लॉट ऑफ देम दे फील डिस्गस्टेड, ऑब्जेक्टिफाइड, इस सबसे स्ट्रेस और फीलिंग इल
और फॉलिंग इल मोर ऑफन जो होता है ना, और जो मेंटल इलनेसेस बनेंगी, एंजाइटी और डिप्रेशन की बीमारी भी बन सकती है। और अगर कोई बड़ा हादसा हुआ हो, रेप की दहशत हो, तो एक्सट्रीम केसेस में, जैसे आपने भी जिक्र किया, सुइसाइडलिटी का खतरा, बहुत से कंप्लीटेड सुइसाइड्स में इस कॉज के बारे में पता भी नहीं चलता। हमने बहुत से पेशेंट्स मैंने देखे हैं जिनमें परमानेंट स्कारिंग मैंने देखी कि रिश्ते सही नहीं बन पाते फिर आगे चल के जिंदगी में, कभी फ्रिजिडिटी नजर आती है, सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स नजर आते, मिसट्रस्ट रहता है, हर मर्द को फिर वो शक की निगाह से देखती हैं। तो इसको तो मैं कहूंगी ना, एक टिप ऑफ द आइसबर्ग फेनोमेनन है कि दिखता थोड़ा है मगर पूरी जिंदगी खराब कर सकती है सेक्सुअल हैरेसमेंट या ई टीजिंग जिसे कहते हैं। ये बहुत ही सही कहा आपने, और आपने एक वर्ड यूज किया था ऑब्जेक्टिफाई। वो हमारी मूवीज हो, चाहे हमारे टीवी शोज हो, ये सब जगह हम देखते हैं। और सैडली बच्चों में ये हम देख रहे हैं कि ये जो रियलिटी शोज होते हैं, इनमें छोटी छोटी लड़कियों को शीला की जवानी जैसे गानों पे डांस करवाते हैं। क्या गुजरती है उनको, क्या समझ है इस बात की? यही सब चीजें हैं जो कि फिर इनिशिएट करती हैं और प्रोपोगेट करती हैं ईव टीजिंग को। तो अगर आप विक्टिम हैं ईव टीजिंग के, तो आप क्या करें? जो उस जगह पे मौजूद हो उनसे मदद जरूर मांगिए, चुप ना रहे। आपको इसमें शर्म महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास पुलिस का नंबर है तो आप डायल करिए या प्रिटेंड करिए कि आप पुलिस को कॉल कर रहे हैं। अगर ये हादसा बार बार होता है तो पुलिस को जरूर जाके बताएं या फ्रेंड्स और टीचर्स से बात करें। अगर आपको फैमिली और पुलिस को बताने में डर लग रहा है तो बहुत सी महिला संस्थाएं भी हैं जो आपकी मदद कर सकती हैं। आजकल बहुत सारे अलार्म सिस्टम्स हैं, पेपर स्प्रे होता है जो कि आप अपने पास रखें, जिससे कि अगर आप ऐसी मुसीबत में हो तो आप इसे इस्तेमाल कर सकें। अगर आप डिप्रेस्ड या स्केर्ड हो तो आप हेल्प लीजिए, स्कूल या कॉलेज के स्टाफ को बताइए या किसी काउंसलर के पास जाइए। मार्शल आर्ट जरूर सीखिए सेल्फ डिफेंस के लिए, कोई ना कोई फॉर्म ऑफ सेल्फ डिफेंस आजकल बहुत सारे लोग करवाते हैं, फ्री में करवाते हैं गवर्नमेंट की ओर से, तो जरूर सीखिए। प्रिवेंशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं समझती हूँ वो ये है कि आप अपनी हकीकत के हिसाब से प्रिकॉशंस लें। गांव में है, शहर में है, छोटे और बड़े शहर में भी फर्क है। आपके पास क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है, किस समाज में आप रह रहे हैं, जब तक एक आइडियल सिचुएशन नहीं बन जाती। प्रिकॉशंस कुछ आपने बताई, कुछ थोड़ी सी मैं और ऐड कर दूं। कुछ कॉमन सेंस एडवाइस है कि अंधेरे में चलना तो मैं किसी को भी कहूं कि रात में अवॉइड करें, यू नो, क्योंकि चोर उचक्कों का भी डर रहता है। इट्स नॉट जस्ट ईव टीजिंग, शायद सबके लिए पॉसिबल ना हो, पर जहां तक हो सके अकेले ट्रैवल ना करें, ना अकेले बस स्टैंड या ट्रेन स्टेशन पर रुकें। बहुत ओवर क्राउडेड बस या ट्रेन ना हो, हो सके तो कॉलेज बस या लेडीज स्पेशल लें। और पुलिस हॉटलाइन 112 नंबर जो है वो आपके फोन में सबसे ऊपर होना चाहिए। इसके अलावा हर वक्त चौकन्ने रहें, स्पेशली आजकल सबका ध्यान फोन पर लगा रहता है, अपने आसपास क्या हो रहा है वो देखते नहीं है। अगर लड़के झुंड में आए और आप अकेली हैं तो उन्हें कोई बेइज्जती वाला जवाब न देकर ऐसे प्रिटेंड करें कि कुछ सुना नहीं। और दुपट्टा या स्कार्फ या साड़ी का कोई सिरा लूज ना हो जिसे कोई आसानी से खींच सके। तो अगर हमें ईव टीजिंग का सामना करना है तो हमें क्या बदलना होगा? एक तो हमें बदलना होगा एक रॉन्ग माइंडसेट जो हो गया है कि हमारी सोसाइटी में आज भी औरतों को नीचा समझा जाता है और आदमी सोचते हैं कि औरत खाली उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए है। आदमी को शायद बहुत ताकतवर फील होता है विमेन को नीचा दिखाने में। मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि वो जानते हैं कि विमेन आर द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्स और उन्हें एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है इस बात से, इसीलिए वो इस तरह से अपनी सुपीरियरिटी दिखाना चाहते हैं औरत पे। और मदर्स का बहुत बड़ा रोल है इस माइंडसेट में, वो ही इसे बदल सकती है। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होने के कारण से औरत अभी भी डरती है सामने आने से, उनके अगेंस्ट कंप्लेन करने में, क्योंकि सभी आदमी का ही साथ देते हैं। इसे बदलना बहुत जरूरी है और ये हम सबको मिलकर ही करना होगा। पुलिस का सबसे बड़ा रोल है, वरना लॉज और ये जब एक्ट्स हैं ये सब कागज पर ही लिखे रह जाएंगे। तो अंडर कवर वुमेन कॉन्स्टेबल्स प्लेन क्लोथ्स में गश्त पर रहें, स्पेशली बस स्टॉप्स और स्टेशन्स पर। फीमेल स्टाफ वाले पुलिस स्टेशन्स ज्यादा होने चाहिए। कुछ पुलिस वाले कहते हैं कंप्लेंट्स विथड्रॉ हो जाती हैं कि जो गुंडे मवाली हैं उनके रिटेलिएशन के डर से, या पेरेंट्स को शादी की चिंता लगती है बच्चियों की, तो पुलिस केस बना तो रेपुटेशन खराब हो जाएगी। मैं तो ये सोचती हूँ कि कोई जरिया होना चाहिए विक्टिम्स अनऑफिशियली रिपोर्ट कर सकें और पुलिस शराफत से अपना काम करे और पकड़े मुजरिमों को और सजा दिलवाए, वरना कोई डरेगा नहीं और ये सिलसिला चलता रहेगा।
हर ईव टीजिंग के केस में रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, केस रफा दफा कभी नहीं होना चाहिए। आखिर में ये बता दूं कि कुछ मेंटल इलनेसेस होती हैं जिनमें इस तरह का बिहेवियर ज्यादा होता है, कुछ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, एंटी सोशल साइकोपैथ्स कहते हैं कॉमनली उन्हें। डिप्रेशन से बिल्कुल उल्टी पिक्चर मेनिया में दिखती है, जिसमें कुछ अनइनहिबिटेड बिहेवियर होता है, और फिर एक पूरा ग्रुप है पैराफिलिक डिसऑर्डर्स का, फ्रॉटियरिस्टिक, एग्जिबिशनिस्टिक, टचरिज्म वगैरह अनकॉमन है। मगर अगर ये बिहेवियर रिपीटेड है किसी में दिखे तो डेफिनेटली जांच करवाएं, क्योंकि ऐसे मरीजों का इलाज होना चाहिए। हमने आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया है। Our lives begin to end the day we become silent about things that matter. तो उठो और अपनी आवाज इतनी बुलंद कर लो कि सारी दुनिया सुने। बदलाव इसी तरह से आएगा। नमस्कार।